लखीमपुर खीरी में दो दलित बच्चियों का शव पेड़ पर लटका हुआ मिला। बताया जा रहा है कि बच्चियों को तीन युवक उसके घर से उठा ले गए थे। घटना के बाद से ग्रामीणों में आक्रोश है। वहीं आईजी लक्ष्मी सिंह ने भी घटनास्थल पर पहुंच जांच की। लखीमपुर खीरी के निघासन थाना इलाके में डायल 100 के लोग, डायल 112 के लोग तत्काल मौके पर पहुंचे थे। उन्होंने तुरंत रिस्पांस दिया था। टाइमा फेसी दोनों बच्चियां अभी दुपट्टे से हैंगिंग अवस्था में पाई गई हैं। शरीर पर जाहिरा तौर से कोई चोटें नहीं पाई गई। बाकी की जितनी चीजें हैं वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही क्लियर हो पाएंगे। परिवार वालों से अपील की जा रही है, कुछ ऐसा भी लिख कर देते हैं, हम ऐसा ही बयान लिखने को देंगे और आगे की भी कार्रवाई इस पर हम करेंगे। हमारी कोशिश रहेगी कि जल्द से जल्द इन बच्चों को न्याय और इंसाफ दिलाया जाए। जो पोस्टमार्टम होगा वो विशेषज्ञों के पैनल के द्वारा इन वीडियो कराया जाएगा, जिससे कि सभी चीजें साफ हो सके। शाम दो सगी दलित नाबालिग बहनों की संदिग्ध अवस्था में लाश एक ही पेड़ पर लटकी मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। मृतक युवतियों की मां का आरोप है कि तीन युवक बाइक से आए और उसकी बेटियों को खींच ले गए थे। हमारी बिटिया हमरा तिर बैठी हम स्नान करता बाबू जी ऐसे बार बांधे ऐसे बार में धोए रहन ऐसे बांधे रहन और धोती धोई कहीं ऐसे डालन और ये पहले तो गया तो क्या बोझ बाबा थे जावे जाए थे। कौन लोग थे, कहाँ से थे? लालपुर के रहे तीन धर्म के बोझ बाबा थे। उठा के लाए वहाँ से? हाँ तो अंदर जब फंसा गन्नम बैठा है या कहीं है वो लादी से पीली बनाने वाला या कहीं बिजली बनाने वाला या जो नीली बनाई पे रहा बारिश कर का और नहीं भजा हम जब लिया तो हमारे से लात हमारे यादा पेटी पोस्ट फटी गवा यादा लात हमारे से पेटी पोस्ट फटा हमारे। कितनी उम्र है लड़कियों की? 15 साल क्या 17 साल। गुरुवार को पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर घटना की विस्तृत जानकारी दी है। पुलिस अधीक्षक संजीव सुमन ने बताया कि आरोपियों ने बच्ची को अगवा कर दुष्कर्म के बाद 6 लोगों ने मिलकर हत्या की वारदात को अंजाम दिया। नामजद छोटू सहित 6 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। इसी बीच उत्तर प्रदेश के डिप्टी CM ब्रजेश पाठक ने खुद घटना की जानकारी दी है और कहा है कि आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। इसे पूरे प्रकरण की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में किया जाएगा। इस घटना की जितनी निंदा की जाए कम है। उन्होंने सख्त लहजे में कहा कि आरोपियों को ऐसी सजा दी जाएगी कि उनके आने वाली पीढ़ी की रूह कांपेगी। हमने पुलिस अधिकारियों से बात की है कि पीड़ित परिवार को हर स्थिति में संतुष्ट करने का प्रयास करें। साथ ही उन्होंने कहा है ऐसे संदिग्धों पर कड़ी नजर रखी जाए।